1990 से अडेनियम के बारे में मैंने जानना शुरू किया और तब से मैं अडेनियम को इतना लगा रहा हूँ कि अब मेरा पूरा सेक्शन केवल अडेनियम आपको दिखाई देता है। ये आप देख रहे हैं मिस इंडिया वैरायटी है स्वाजिगम की, ये हाइब्रिड वैरायटी के अंतर्गत आता है। ये आप देखिए एग्जॉटिक अरेबिकम की वैरायटी है। ये भी सेंटीपीड रूट्स, इसकी बनाई गई रूट्स होती हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करें पे। जैसे कि आपने लास्ट के दो पार्ट देखे कि मैं आया हूँ बाराबंकी में एसके सिंह जी के घर पे, जहाँ पे है अडेनियम की भरमार। 500 से ज़्यादा वैरायटी है इनके पास अडेनियम्स की। तो हमने बैक टू बैक एपिसोड शूट किए हैं। फर्स्ट एपिसोड में आपको सीडलिंग पे और अडेनियम के ऊपर डीप इन्फो मिल चुकी है। सेकेंड वीडियो में हमने DHA के प्लांट्स आपको दिखाए, वैरायटी दिखाई, और उस पर भी आपको डीप इन्फो मिली है। आज का जो थर्ड एपिसोड है उसमें मैं सर का कुछ अडेनियम कलेक्शन का एक्जोटिक प्लांट्स का कलेक्शन दिखाने वाला हूँ, एक्जोटिक अडेनियम्स दिखाने वाला हूँ, जिसे देख के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। और इनकी जो कलेक्शन है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इनके पास 500 से ज़्यादा वैरायटी हैं अडेनियम्स की। तो उन्हीं में से कुछ बेहतरीन कलेक्शन आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को देखने में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आएँ, ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें, दोनों के लिंक आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि मैं आया हूँ बाराबंकी में। अभी मेरे चैनल पर चलिए बाराबंकी सीरीज़। ऑलरेडी मैं लखनऊ, जयपुर वगैरह होके आ चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनकी प्लेलिस्ट के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप जयपुर की सीरीज़ भी देखें, लखनऊ की सीरीज़ भी देखें, और जल्दी मैं और भी स्टेट्स में विजिट कर रहा हूँ। तो अलग अलग टेरिस गार्डन की काफ़ी सारी वीडियोज़ चैनल पर आने वाली हैं। अगर आप भी चाहते हैं मैं आपके टेरिस गार्डन को कवर करने आऊँ, आपके स्टेट में विजिट करूँ, तो आप नीचे दी गई मेल आईडी पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। अपने गार्डन की पिक्चर्स वगैरह सेंड कर सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं। येलो ड्रैगन है पूरी तरह से, ये येलो कलर में इसकी पत्तियाँ होती हैं, बहुत ही खूबसूरत पत्तियाँ होती हैं। और जितनी सनलाइट मिलेगी डायरेक्ट सन में रखने पे ये पूरी तरह से पीली हो जाती हैं, क्योंकि इस समय धूप इतनी ज़्यादा हो रही है कि इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ रखा गया है। फिर आप इधर देखें, ये अरेबिकम की वेराइटी है और ये रूट्स जो हैं इसकी तैयार की गई हैं। रूट को जो है सेंटीपीड रूट बनाई गई हैं इनको काटने के बाद, और फिर ये नई रूट्स आई हुई हैं। देखिए जैसे हाथ का पंजा होता है उस तरह से इसकी रूट्स बनी हुई हैं। ये प्योर ब्लैक वैरायटी है, DDC वैरायटी है ये। ये देखिए आप देखेंगे कि इतनी ज़्यादा ब्लैकनेस है कि ये वाइट दिख रही हैं, जो इनके जो स्किन है ये वाइट दिख रही है, जबकि ये क्या है प्योर ब्लैक कलर की हैं। ये यहाँ पर ये नोवा तंजानिया ही हो गया आपका। ये सब नोवा तंजानिया हैबिटेट हैं। ये सीड ग्रोन बोसम जेड हैं, ये सीड ग्रोन क्रिस्सम की वैरायटी में आती हैं, बहुत खूबसूरत फूल आते हैं इसके। ये सीड ग्रोन हैं, इनके सीड जो है ताइवान से आते हैं। ये नोवा तंजानिया ही हैं आपके। ओबेशम केनिया, ये आप जो है ओबेशम केनिया है, ये हैबिटेट प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इसमें फूल भी बहुत अच्छे आते हैं। फ्लावरिंग चटक होती है, सुर्ख रंग के लाल रंग की फ्लावरिंग होती है और सीड पार्ट बनते हैं इन पर। सीड पार्ट जो है हैंड पॉलिनेशन के द्वारा बनाया जाता है, बनते हैं अच्छे। ये बोसम जेट का प्लांट है, आप देखिए दोस्तों बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग होती है इसमें, बहुत ही सुंदर फूल आते हैं। ये बोसम जेट, ये सीड ग्रोन जो स्वाजिकम है जो सीड से तैयार किए गए हैं। ये जितने भी आप देख रहे हैं अलग अलग कलर हैं, ये इस समय अब फ्लावरिंग कंडीशन में ये आने ही वाले हैं। ये सारे के सारे स्वाजिकम जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, इधर भी दिख रहे हैं, ये सब अलग अलग कलर के हैं। फ्लावरिंग आने के बाद जो है, चूँकि सब कोड से लगे हुए हैं, फ्लावरिंग आएगी तो क्लियर हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि सेम कलर ही है। ये आप देखिए एग्जॉटिक अरेबिकम की वैरायटी है। ये भी सेंटीपीड रूट्स, इसकी बनाई गई रूट्स होती हैं और इस ये भी प्योर ब्लैक, आप देखेंगे इसको कि ये प्योर ब्लैक है। ये जो कलर है इसका स्किन का प्योर ब्लैक है
और ब्लैकनेस इतनी ज़्यादा है कि ये सिल्वर कलर की तरह से दिख रहा है, सिल्वरी दिख रहा है। यहाँ पर हम अब इस पे आते हैं, ये स्वाजिकम वेराइटी है, स्वाजिकम हैबिटेट प्लांट हैं। ये प्लांट भी बहुत रेयर वेराइटी के प्लांट होते हैं। इनके फूल बहुत ही अच्छे कलर में आते हैं और इतने ज़्यादा सॉफ्ट कलर होता है कि इस कलर को आप डिफाइन नहीं कर पाते हो कि ये कलर है क्या, कौन सा कलर है। ये डार्क पिंक कलर है, जिसे रेड के करीब है लेकिन रेड नहीं है, ये आप डार्क पिंक इसको कह सकते हैं। बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग आती है इसमें। सोकोट्रेनम प्लांट है, ये बहुत ही पुराना प्लांट है, ये ग्राफ्ट के तैयार किया है। इस सोकोट्रेनम की सबसे अच्छी खासियत ये है कि इनमें फ्लावर्स आते हैं। इन ये जो दो प्लांट आप देख रहे हैं, इनमें फ्लावर्स आते हैं और इन फ्लावर्स से हम जो है सीड पार्ट तैयार कर सकते हैं, सीड बना सकते हैं। यहाँ आते हैं, इसको देखिए, ये भी एक एग्जॉटिक वैरायटी है, ये भी ग्राफ्टेड सेक्शन में ही है अभी हम लोग। ये स्वाजिकम, ये सॉफ्ट पिंक कलर है, ये स्वाजिकम सीड ग्रोन की वैरायटी है। ये देखिए, सीड ग्रोन स्वाजिकम है और बहुत ही प्यारा कलर आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही सुंदर, ये सीड से तैयार किया हुआ है। और यहाँ पर ये स्वाजिकम जो है एग्जॉटिक है, ये जो है हैबिटेट का प्लांट है। कुछ दिनों बाद जब इसके रूट को निकालेंगे, हम बाहर की तरफ निकालेंगे, तो कॉडेक्स में भी चांस है कि इसी तरह का निकलेगा, लेकिन बहुत ही साल लग जाते हैं, करीब 40-50 साल के लगभग का ये प्लांट होगा, जहाँ तक मेरी उम्मीद है। फिर आप जब इधर आते हैं, ये मल्टीफ्लोरम है, आप ये देखिए, ये बहुत ही रेयर वैरायटी ये भी है। ये क्रिस्पम की वैरायटी है, अभी फ्लावरिंग की कंडीशन में आने वाला है ये। यहाँ ये स्वाजिकम है, ये भी सीड ग्रोन स्वाजिकम है, ये क्रिस्पम है आपका, अब फ्लावरिंग होने वाली है, इस पर सीड ग्रोन है ये भी। ये दो प्लांट जो आप देख रहे हैं, ये डोरस्टेनिया गिगास है, ये बेसिकली अडेनियम नहीं है, लेकिन ये रेयर वैरायटी का आपका एक कलेक्शन है, डोरस्टेनिया गिगास जिसे कहते हैं, बहुत ही लोग शौक से इसको रखते हैं। ये बहुत ही पुराना प्लांट है, बहुत पुराना प्लांट है, चूँकि बहुत ही कॉस्टली होता है ये प्लांट। हेलो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं मिस इंडिया वैरायटी है स्वाजिकम की, ये हाइब्रिड वैरायटी के अंतर्गत आता है ये, और ये ग्राफ्टेड प्लांट है, आप मिस इंडिया का ये ग्राफ्टेड प्लांट है। और मेरे साथ ये प्लांट 1990 से है, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितने पुराने प्लांट हैं ये। और बहुत ही फ्लावरिंग आती है, इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग इसमें होती है, अभी तो इसने फ्लावरिंग करना शुरू किया है। अब जो आप देखेंगे, ये पूरी तरह से गुलाबी केवल फूलों से भर जाएगा, कहीं भी एक भी पत्ती दिखाई नहीं देती है, और केवल फूल ही फूल आपको दिखाई देते हैं। इस वैरायटी की खासियत यह है कि साल में 3-4 बार इस पर आपको फूल दिखेंगे, और हमेशा फ्लावरिंग होती रहती है इसमें। एक सेट फूल ख़त्म होता है तब दूसरा सेट फूल तुरंत आ जाता है। नोवा तंजानिया हैबिटेट प्लांट है ये तंजानिया का प्लांट है, वहाँ के रेगिस्तानों में ये पाया जाता है, ये हैबिटेट प्लांट इसको इसीलिए कहते हैं, पूरी तरह से ये वहीं का प्लांट है और वहाँ से ही ये अपने पास यहाँ आया हुआ है। इनके सीड ग्रोन भी तैयार किए जाते हैं। सीड ग्रोन में ये जो आप कॉडेक्स देख रहे हैं, ये नेचर आने में बहुत साल लगता है, और सच कहिए तो इस तरह का नेचर आता भी नहीं है, जो आप कलर देख रहे हैं, जो टेक्सचर देख रहे हैं, 100% तो ऐसा नहीं मिलता है, लेकिन चूँकि इतने एग्जॉटिक प्लांट नहीं रखे जा सकते, नहीं लिए जा सकते, चूँकि ये बहुत ही महंगे आते हैं, बहुत ही रेयर वेराइटी में है, इसलिए सीड ग्रोन भी वो काम करते हैं, लेकिन ये खूबसूरती आपको उसमें इस तरह की नहीं दिखाई देती। ये भी नोवा तंजानिया है, ये आप इधर जो देख रहे हैं, ये एग्जॉटिक वैरायटी है, ये सीड, ये ग्राफ्टेड ही है, ये ग्राफ्टेड है, ये ओवेशम केनिया है, ये हैबिटेट है, ये ओवेशम केनिया हैबिटेट है आपका, और इसमें अभी फ्लावरिंग हुई थी, अभी इसकी फ्लावरिंग ख़त्म हुई है, ये फ्लावर्स हैं इसके। ये आप देखेंगे, ये बोहेमेनियम है, बोहेमेनियम भी ये ग्राफ्टेड प्लांट्स ही हैं, इनको जो है फिर से रीग्राफ्ट किया गया है और भी पौधे इससे तैयार किए जा रहे हैं। ये स्वाजिकम की वैरायटी है, स्वाजिकम वाइट, प्योर वाइट वैरायटी है, ये पूरी तरह से सफ़ेद खिलती है, और ये भी ग्राफ्टेड प्लांट है दोस्तों, आप देखिए यहाँ से ये ग्राफ्ट किया गया है, स्वाजिकम वाइट सेक्शन में आते हैं। यहाँ पे ये सब ग्राफ्टेड आप देख रहे हैं, मुआंग ओरापान, ये भी एक हैबिटेट, ये सारे जितने भी आप देख रहे हैं मुआंग ओरापान की, ये चार जो है आपको गमले दिख रहे हैं, इनकी फ्लावरिंग बहुत सुंदर होती है, ये गुच्छे में खिलते हैं, बहुत ही खूबसूरत फूल आते हैं इसमें, ये पूरी तरह से फूलों से ये ढक जाता है, पत्तियां दिखाई नहीं देती हैं, इतने ज़्यादा इसमें
फूल आते हैं। ये क्रिम्सन, ये रेड कलर के फ्लावर इसमें आते हैं, रेड ड्रैगन इसको कहते हैं। ये भी तीन चार गमले आप जो देख रहे हैं, ये रेड ड्रैगन है। ये पूरी तरह से सुर्ख लाल फूल इसमें खिलते हैं। ये प्लास्टिक लीव्स है, प्लास्टिक इंटर ब्रोकली, ये इसमें भी बहुत ही खूबसूरत फूल आते हैं। और इसके दो पार्ट आप देख रहे हैं, बहुत ही एकदम इनकी इनका जो इनकी जो लीव्स होती हैं पूरी तरह से प्लास्टिक का लुक देती हैं। इनको जब आप छुएंगे प्लास्टिक की तरह से आपको फील देंगी। फ्लावरिंग इसमें बहुत ही अच्छी आती है, बहुत एग्जॉटिक वेराइटी है। और ये भी ग्राफ्टेड का ही सेक्शन है, आप ये देखिए, ये एक बोहमेनियम का लुक किए हुए है। बोहमेनियम तो नहीं है लेकिन लुक वही उसी तरह का होता है इसके फ्लावर का, देखने में भी उसी तरह का होता है, पत्तियां भी आपको उसी तरह की ही लगती हैं। लेकिन ये बोहमेनियम ना होकर के ये ओबेसम की ही कैटेगरी में आता है, ओबेसम का ग्राफ्टेड आप इसको कहेंगे। और ये भी मेरे साथ 1990 से ही है, बहुत ही पुराना प्लांट है। और इनके कॉर्डेक्स आप देखिए, अलग अलग शेप में कितने ही खूबसूरत बनते हैं ये। इस तरह के 13-14 प्लांट हमारे पास हैं जो सन 1990 से, जब से इनको हमने मंगवाया था, छोटे छोटे पौधे के रूप में मंगवाया था। और तब तो कोई एडेनियम जानता भी नहीं था, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं मालूम था कि एडेनियम ऐसी चीज़ होती है। तो करीब 13 प्लांट हमने जो है एक बार में बहुत मुश्किल से, कितने पापड़ बेलने के बाद मुझे ये 13 पौधे प्राप्त हुए थे। और जिसमें से लकली इस समय सारे के सारे पौधे मौजूद हैं। दो आप यहाँ देख रहे हैं, एक पीछे सेक्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा, दो बड़ा पौधा, और कुछ नीचे लगे हुए हैं बाहर गार्डन में। तो ये आपके सारे के सारे बड़े प्लांट हो गए। 1990 से एडेनियम के बारे में मैंने जानना शुरू किया और तब से मैं एडेनियम को इतना लगा रहा हूँ कि अब मेरा पूरा सेक्शन केवल एडेनियम ही एडेनियम आपको दिखाई देता है। करीब करीब 500 से अधिक आपको कुल मिला के वेराइटी सब कैटेगरी आपको मिलेगी एडेनियम की। लगभग लगभग सारी की सारी वेराइटी, 100% तो नहीं कह सकते लेकिन ऐसा है कि लगभग सारी वेराइटी है मेरे पास। और जहाँ भी जो भी नई चीज़ दिखती है एडेनियम से रिलेटेड दिखती है, वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने पास अपने उसमें अपने खजाने में उसको इकट्ठा करूँ, रखूँ और आपको ऐसे ही दिखाता रहूँ, दिखते रहें आप इसको। धन्यवाद दोस्तों। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो? वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आज की वीडियो में एस के सिंह जी ने आपको अपना एक्जोटिक प्लांट का कलेक्शन दिखा दिया है। आशा है आपको काफ़ी कुछ नया देखने के लिए मिला होगा, कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। अभी तक मैं बाराबंकी की काफ़ी वीडियोस कर चुका हूँ, आशा है आपको सारी वीडियोस काफ़ी पसंद आई होगी। अब इवनिंग हो चुकी है और फाइनली वक्त आ चुका है कि मैं दिल्ली के लिए निकलूँ, क्योंकि दिल्ली से भी काफ़ी कॉल्स वगैरह आ चुके हैं। दिल्ली NCR से काफ़ी लोगों ने मेल वगैरह किए हैं, तो जाके उनके भी गार्डन कवर करने हैं। तो अगर आप भी दिल्ली NCR से हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे दी गई मेल ID पे आप अपने गार्डन वगैरह की पिक्चर सेंड करें। जैसे ही मैं पहुँचूँगा मैं आप लोगों की वीडियोज़ भी ज़रूर कवर करूँगा। फाइनली सारी की सारी वीडियोस तो हमने कवर कर ली, लेकिन कलेक्शन सर का बहुत वाइड है, बहुत बड़ा है, तो सब कुछ तो कवर नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, मैं एक बार फिर से यहाँ पे 6 महीने या 7 महीने के बाद जब भी विजिट करूँगा तो एक बार फिर से सर से रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि उनका बचा हुआ कलेक्शन मैं अपने व्यूअर्स को दिखाऊँ। तो जब भी मैं दोबारा आता हूँ कभी, तो इनका बचा हुआ जो कलेक्शन है उसको ज़रूर दिखाऊँगा। एडेनियम्स के अलावा भी सर के पास कैक्टस और प्लूमेरिया जैसे काफ़ी सारे प्लांट्स की कलेक्शन है और रेयर प्लांट्स की कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, तो वो सब हम कवर करने वाले हैं। सो फ्रेंड, मिलूंगा नेक्स्ट टाइम में बाराबंकी की किसी और वीडियो में। लेकिन हाँ, चैनल पर टेरेस गार्डन की काफ़ी सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। अगर आप ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो कर सकते हैं सब्सक्राइब, साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इंस्टा और फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो करें, और फेसबुक पर भी थोड़ी देर में लाइव जा रहे हैं तो आप चाहें तो फेसबुक पर ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि जब भी किसी गार्डन में मैं विजिट करता हूँ तो उन गार्डनर के साथ उनके गार्डन को एक बार लाइव ज़रूर दिखाता हूँ, तो आप वहाँ पर भी ज़रूर फॉलो करिएगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पर एक ये पंखा था, पंखे का जो ऊपर का जाल होता है उसको मैंने इसमें यूज किया है। ओके। और ये मेरे पास कितनी सारी बोतल इकट्ठी हो गई थी, तो मैंने इनको जो है इस तरीके से किए झूला प्लांटर बनाया है। तो 15 से 20 बोतलें फ्रेंड देखिए पेप्सी की जो है वो यूज कर रखी है। ये जूट रोप से आपने बोला, जूट रोप से लगाया है, और ये बटन है जो बटन, और ये जो है माला के बीज है। ये जो आरओ होता है ना, आरओ का जो फिल्टर होता है, ये फिल्टर के ऊपर जो है मैंने उससे वॉल पुट्टी से ये बना के इसके ऊपर ये मैंने जो है मिरर लगाए थे।
पत्ते से इसको मैंने कवर किया है और इसके ऊपर मैंने पेंट कर दिया है। पानी के अंदर है इसकी पूरी जड़ें, देखिए ये देखिए फ्रेंड, तो ये वाटर में है। हाँ नाइस।